अदाकार नूर हसन इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इनका हर ड्रामा सुपर डुपर और हाई रेटिंग जाता है। पिछले साल से नूर हसन के फैंस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इनके फैंस को इनके हर आने वाले ड्रामे का इंतजार रहता है। सुपरहिट ड्रामों के साथ साथ नूर हसन का जो रंग बदले जिंदगी गुजरा है, ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी में नूर हसन और नवाज सईद की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया, जिसकी वजह से इनके फैंस पूछ रहे थे कि इनका सीजन 2 आएगा या नहीं, अगर आता है तो कब आएगा। इस बारे में हम आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको भी नूर हसन का ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी के सीजन 2 के बारे में अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज सामने नहीं आई। ड्रामों का सीजन 2 इतनी जल्दी बनता भी नहीं है। अगर किसी ड्रामे का सीजन 2 बनना भी होता है तो 1 साल बाद ही रिलीज होता है। जैसे ही ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी के बारे में हमें कोई न्यूज मिलती है तो हम इस चैनल पर जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन किसी भी ड्रामे के सीजन 2 के आने की बड़ी वजह पब्लिक की डिमांड भी होती है। पब्लिक की वोटिंग पर ही इसका सीजन 2 बनाया जाता है। ड्रामा सीरियल रंग बदले जिंदगी में नूर हसन ने अब्दुल्ला के नाम से अपनी अदाकारी दिखाई और नवाज सईद ने मारिया का बेहतरीन रोल प्ले किया। इसके अलावा इस ड्रामे में उमर शहजाद और नूर गलवानी भी शामिल थे। इस ड्रामे की कास्ट स्टोरी को बेहद पसंद किया गया, जिस पर पब्लिक की बड़ी डिमांड है कि इसका सीजन 2 बनाया जाए। अगर आप लोग इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं तो अगर आप रंग बदले जिंदगी कोई भी अपडेट देखते हैं तो इसमें कमेंट जरूर करें। अगर आप भी रंग बदले जिंदगी का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट जरूर कर दें और वोट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सेलिब्रिटी स्काई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सेलिब्रिटी स्काई सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।